नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेट और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इतिहास को फिर से जीवंत करने के लिए पीएम का धन्यवाद। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने पर बोले जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए संसद भवन में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रतीक स्वरूप प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए पवित्र राजदंड को स्थापित किए जाने के फैसले को एक ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह उत्तर को दक्षिण तक भारत के भावनात्मक और आध्यात्मिक एकीकरण पर भी जोर देता है। इस कदम के लिए नड्डा ने जताया पीएम का आभार। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के लिए रविवार को प्रस्तावित उद्घाटन के पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में राजदंड को नए संसद भवन में स्थापित किए जाने की घोषणा की। नड्डा ने एक ट्वीट में कहा, नए संसद भवन में पवित्र राजदंड स्थापित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय एक ऐतिहासिक क्षण है। पवित्र राजदंड राष्ट्रीय महत्व को और ऐतिहासिक महत्व रखता है। राजदंड शासन करने के लिए सर्वोच्च नैतिक आधारिक का प्रतिनिधित्व है। इतिहास को जीवित करने के लिए पीएम का धन्यवाद। भाजपा अध्यक्ष ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया है। कहा है कि विदेश शासक से भारत के लोगों को सत्ता का हस्तांतरण प्रत्यक्ष नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया थी। माध्यम से जैसा कि प्राचीन भारत में जाना जाता है कि इतिहास की इस बहुत महत्वपूर्ण पहलू को फिर से जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। नए संसद भवन से बेहतर कोई जगह नहीं। यह उत्तर से दक्षिण तक के भावनात्मक और आध्यात्मिक एकीकरण पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुई इस घटना को याद रखने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अधिक उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। और पवित्र राजदंड के लिए नए संसद को बेहतर से कोई नहीं है। आजादी के 75वें वर्ष को भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव को स्वरूप में माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भव्य कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएंगी तेलंगाना की 10वीं वर्षगांठ। 21 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। तेलंगाना राज्य के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मामले में सीएम के चंद्रशेखर राव ने आदेश दिया था कि राज्य की 10वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी शहरों में ग्रामीण क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद बुधवार को सीएम ने समारोह की रूपरेखा पर मुहर लगा दी है। केसीआर ने महोत्सव के कार्यक्रमों अंतिम रूप दिया है। राज्य सरकार ने 2 जून से 22 जून तक 21 दिनों का भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। सीएम केसीआर इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 जून को करेंगे। इस दौरान सीएम डॉक्टर बीपीआर अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस कार्यक्रम का नाम तेलंगाना राष्ट्र अवतार दशाब्दी उत्सव रखा गया है। सीएम केसीआर ने कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक की और इसे अंतिम रूप दिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 जून से होने जा रही है। इस दौरान सीएम केसीआर इसका उद्घाटन करेंगे। 2 जून को पूरे राज्य में जिला मंत्रियों के साथ नेतृत्व में ध्वज वंदना और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं हैदराबाद में शहीदों के स्तूप पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 3 जून को राज्य में किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान किसानों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां जनप्रतिनिधित्व और किसान सामूहिक भोज करेंगे। राज्य में 4 जून सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 5 जून को तेलंगाना विद्युत विजय महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान बिजली कर्मचारियों के साथ सभी बैठक करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे मामले में 26 को फिर से सुनवाई। हाईकोर्ट ने बहस के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश व सिविल वाद के वैधिक को लेकर दाखिल याचिकाओं के मुद्दों पर 26 मई को हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित लिया है। साथ ही फैसला आने तक सर्वे कराने की वाराणसी की अदालत के आदेश पर लगी है
फैसला लिखते समय कोर्ट ने कई बिंदुओं पर पक्षकारों से अधिवक्ता से स्पष्टीकरण के लिए फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। यह आदेश सुन्नी सेंट्रल बॉर्डर अंजुमन इंतियाजा मस्जिद कमेटी की याचिकाओं की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पंड्या ने दिया है। याचिकाओं की ओर से बहस की गई थी कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। स्थापित कानून है कि कोई आदेश पारित हुआ है और अन्य विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है तो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में चुनौती दी जा सकती है। विपक्षी मंदिर पक्ष का कहना था कि भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू भगवान है, वह मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रदत्व है। उन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एम सिद्दीकी बनाम महंत सूरज दास व अन्य केस के फैसले का हवाला दिया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज स्टे आज डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsstream.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।